हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्टी जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, और अगली सुनवाई आपकी जो होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से आपके यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो डिले हो गई है, तो वो गलती फिर से ना हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी यहाँ पर STET के जो स्टूडेंट है इस वीडियो को ज़रूर से देखें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आई है। तो आप देख सकते हो जो अगली आपकी सुनवाई होने वाली है वो कब होने वाली है, 22 मई को आपकी अगली सुनवाई होने वाली है, ठीक है। और एडवोकेट का नाम देख सकते हो ललित किशोर यहाँ पर बात करेंगे अगले 22 तारीख को। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गाइस, जो आपकी जो यहाँ पर सुनवाई है वो टल गई है, किस कारण से टली है और क्या गलतियाँ यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो एक न्यूज़ में दिखा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग आप जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं जो बिहार स्टेट को लेकर, वो सभी कुछ क्लियर हो जाएंगे उस न्यूज़ को देखने के बाद, ठीक है, देख लो। सो इस न्यूज़ को आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है कि जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 22 मई को होने वाली है, और यहाँ पर ललित किशोर द्वारा यहाँ पर बहस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो 22 मई तक टल गई है उसकी वजह क्या है वो देख लो इस न्यूज़ में। देखो यहाँ पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि महाअधिवक्ता के नहीं रहने से यहाँ पर ललित किशोर जो है महाअधिवक्ता जो कि यहाँ पर बहस करेंगे, उनके नहीं रहने से आपकी सुनवाई टल गई है, ठीक है। नहीं रहने की वजह से सुनवाई को टाल दी गई, तो ये मिस्टेक है, एक बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ध्यान में नहीं रहता, वो कभी कभी यहाँ पर नहीं भी जाते हैं, लापरवाही ऐसे कर जाते हैं, ऐसे मिस्टेक्स उनसे होते हैं। लेकिन अब इस मिस्टेक को लेकर जो आपको पेनल्टी भरना पड़ा है, ठीक है, वो अब देख सकते हो आपके सामने 22 मई तक आपके रिजल्ट यहाँ पर रोक दी गई है, पता नहीं उसके बाद कितना टाइम और लेगा, ठीक है। तो ये गलती अब दोबारा ना हो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल भी अब दोबारा ना हो और आपकी रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए। सो दोस्तों, मेरे ये कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर STET का स्टूडेंट है या आप जिनका भी ग्रुप है, वो ये एडवोकेट इस एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ललित किशोर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट क्यों करना है, क्योंकि जो गलतियाँ हुई हैं वो आगे गलतियाँ ना हो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है ललित नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है गाइस कि यहाँ पर कांटेक्ट कैसे करना है। तो कांटेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे जाना है, लॉ के ऑफिशियल साइट जो बिहार की उस पर जाना है, दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हो इस ऑफिशियल साइट पे आपको आना है law.bih.nic.in पे आना है, ठीक है। जैसे ही आप आओगे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे 50 नंबर में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको एडवोकेट का नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देख सकते हो 50 नंबर में श्री ललित किशोर यहाँ पर इनका नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसर का कांटेक्ट नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। और जो भी यहाँ पर ग्रुप बना रखे हैं उन लोगों को यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि इनसे कांटेक्ट करके आपको जो भी मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स है डिस्कशन आपको करना चाहिए इनसे, और जो गलतियाँ हुई हैं वो फिर से ना दोहराया जाए, और 22 मई को जैसे सुनवाई टल गई थी वो आगे ना टले इसके लिए आपको यहाँ पर कांटेक्ट बिल्कुल करना चाहिए। और देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन बिल्कुल भी फेल हो गया है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखो कि ट्विटर कैंपेन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ट्विटर कैंपेन की वजह से ही पहुँचे हो, पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आ गई है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से आपका ट्विटर कैंपेन फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, बस कुछ प्रॉब्लम आ गई है जो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, तो आप सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि एक यूनिटी बन सके, सभी लोग एक साथ होकर यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो जरूर से शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, ट्विटर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।